सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस सर, आज का वीडियो आप सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि गाइस इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के अंदर कैसे किसी भी पोशन को बना सकते हो। यहाँ पे गाइस आप लोगों को पता है कि माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी पोशन आते हैं वो सारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग चाहे नेदर के अंदर आइटम्स कलेक्ट करने जाते हो या फिर ड्रैगन को मारने जाते हो, पोशन आप लोगों को हर वक्त काम पे आने वाला है। सो डेफिनेटली गाइस आप लोगों को पोशन बनाना तो आने ही चाहिए। अभी गाइस पोशन गेम के अंदर इतना इंपॉर्टेंट एक चीज़ है कि इसको बनाने का प्रोसेस भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन गाइस अगर आप लोग आज के वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो यार आगे जाके आप लोगों को कभी भी पोशंस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो चलिए गाइस अभी बात करते हैं कैसे हमें पोशंस को बनाना होता है। तो गाइस माइनक्राफ्ट के अंदर जितने भी पोशंस होते हैं इनमें से ऑलमोस्ट सारे पोशंस को बनाने के लिए आप लोगों को एक बेसिक पोशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है ऑकवर्ड पोशन। वैसे तो गाइस ऑकवर्ड पोशन के कोई भी इफेक्ट्स नहीं है, फिर भी गाइस ज्यादातर पोशंस को बनाने के लिए आप लोगों को इस पोशन की डेफिनेटली जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए गाइस सबसे पहले ऑकवर्ड पोशन को बना लेते हैं। तो सारे पोशंस की तरह इसको बनाने के लिए भी हमें एक ब्रीविंग स्टैंड की जरूरत पड़ती है। अभी गाइस आप लोगों को सिंपली ब्रीविंग स्टैंड को ओपन कर लेना है और यहाँ पे 3 वाटर बॉटल्स को प्लेस कर देना है। इसी के साथ गाइस ऑकवर्ड पोशन बनाने के लिए हमें ब्लेज पाउडर एंड नेदर वर्ड की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे गाइस नेदर वर्ड तो आप लोगों को नेदर पे मिल जाएगा एंड ब्लेज को किल करने के बाद गाइस आप लोगों को जो ब्लेज रॉड मिलता है उसकी मदद से आप लोग ब्लेज पाउडर को बना सकते हो। तो गाइस कुछ इस तरह से आप लोगों को सारी चीजों को प्लेस कर देना है एंड आपके पास ऑकवर्ड पोशन आ जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अभी हमारा ऑकवर्ड पोशन बनके तैयार हो चुका है। जैसे कि यार मैंने आप लोगों को बताया ये एक बेसिक पोशन है। अभी गाइस हम लोग इस पोशन की मदद से पोशन ऑफ नाइट विजन को बनाने वाले हैं। तो पोशन ऑफ नाइट विजन के लिए हमें एक गोल्डन कैरेट की जरूरत पड़ती है। गोल्डन कैरेट बनाने के लिए गाइस आप लोगों को सिंपली क्राफ्टिंग टेबल के अंदर कैरेट को बिल्कुल बीच में प्लेस कर देना है एंड इसके चारों तरफ कुछ इस तरह से आप लोगों को गोल्ड नगेट्स को प्लेस कर देना है। तो आप लोगों को यहाँ पे एक गोल्डन कैरेट मिल जाएगा। अभी हमें वापस से अपने ब्रीविंग स्टैंड पे आ जाना है एंड इस बार गाइस हमें नीचे के जो 3 बॉटल्स की जगह है यहाँ पे ऑकवर्ड पोशन को प्लेस कर देना है एंड इसी के साथ गाइस ऊपर हमें गोल्डन कैरेट को प्लेस कर देना है। तो इसी के साथ गाइस अभी हमारा पोशन ऑफ नाइट विजन भी बनके तैयार हो चुका है। अभी गाइस ये जो पोशन ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए वर्क करेगा, जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जो टाइम है इसको भी आप लोग थोड़ा इंक्रीज कर सकते हो, इसके लिए हमें रेड स्टोन की जरूरत पड़ती है। अभी गाइस कैसे इस टाइम को इंक्रीज करना होता है वो भी यार आगे मैं वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले गाइस बात करते हैं पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी को आप लोग कैसे बना सकते हो। तो पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी को बनाने के लिए हमें फर्मेंटेड स्पाइडर आई की जरूरत पड़ती है। तो इसको बनाने के लिए गाइस आप लोग को सिंपली अपने क्राफ्टिंग टेबल को ओपन कर लेना है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को स्पाइडर आई, ब्राउन मशरूम एंड सुगर की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए गाइस फटाफट हम लोग फर्मेंटेड स्पाइडर आई को क्राफ्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से गाइस आप लोगों को प्लेस कर देना है एंड यहाँ पे गाइस हमें फर्मेंटेड स्पाइडर आई मिल चुका है। अभी हमें वापस से अपने ब्रीविंग स्टैंड को ओपन कर लेना है एंड नीचे हमें पोशन ऑफ नाइट विजन एंड ऊपर हमें फर्मेंटेड स्पाइडर आई को प्लेस कर देना है। अभी गाइस हमें थोड़ा सा वेट करना है एंड यहाँ पे हमें पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे गाइस अभी हमारा पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी भी बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पे गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब यार आप लोग पोशन ऑफ इनविजिबिलिटी को यूज करोगे तभी गाइस आप लोगों को कोई भी आर्मर या फिर हेलमेट को नहीं पहनना है या फिर गाइस किसी भी आइटम को आप लोग को अपने हाथ में नहीं पकड़ना है, क्योंकि गाइस पोशन को यूज करने के बाद मॉब्स तो आप लोग को नहीं देख पाएंगे, लेकिन गाइस जैसे आप लोग अपने हाथ में कोई भी चीज को पकड़ोगे या फिर हेलमेट्स का यूज करोगे तो जो मॉब है उसको यार वो चीज दिख जाएगा एंड वो आपके ऊपर अटैक कर देगा। तो यहाँ पे यार पोशन यूज करने का कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए गाइस आप लोग को हेलमेट्स एंड किसी भी चीज को अपने हाथ में नहीं पकड़ना है। तो जो भी हो गाइस अभी बात करते हैं पोशन ऑफ लिपिंग को कैसे बनाना होता है। पोशन ऑफ लिपिंग की मदद से गाइस आप लोग 2 ब्लॉक्स तक कूद सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस ये काफी ज्यादा काम का पोशन है। इसको बनाने के लिए गाइस हमें जरूरत पड़ती है रैबिट फूट की एंड ऑकवर्ड पोशन की। अभी गाइस यहाँ पे रैबिट फूट को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को लगभग 15 से लेकर 20 रैबिट को मारना होता है तभी जाके गाइस आप लोगों को 1 रैबिट फूट मिल जाएगा। एंड अगर लक खराब होता है तो यार 15-20 रैबिट्स को मारने के बाद भी यहाँ पे रैबिट फूट नहीं मिलता है, तो काफी सारे रैबिट्स को मारने के बाद यार आप लोगों को जाके रैबिट फूट मिल सकता है। तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को कुछ इस तरह से प्लेस कर देना है एंड हमारा जो पोशन ऑफ लिपिंग है वो बनके तैयार हो जाएगा। अभी गाइस पोशन ऑफ लिपिंग के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो गाइस ये जो पोशन है ये सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है एंड इस पोशन को यार ड्रिंक करने के बाद भी यार आप लोग 2 ब्लॉक्स तक नहीं कूद पाओगे, इसकी मदद से यार आप लोग सिर्फ और सिर्फ फेंस को कूद पाओगे। यहाँ पे गाइस अगर आप लोग को इस पोशन का टाइमर को इंक्रीज करना है तो आप लोग को यहाँ पे रेड स्टोन की जरूरत पड़ेगी। सिंपली गाइस आप लोग को नीचे पोशन को प्लेस कर देना है एंड ऊपर गाइस आप लोग को रेड स्टोन को प्लेस कर देना है। तो ये चीज करते गाइस पोशन का जो टाइमर है वो बढ़ के 8 मिनट का हो जाएगा एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया बाकी जितने भी पोशन है सभी के टाइमर को आप लोग बिल्कुल इसी तरह से बढ़ा सकते हो। लेकिन गाइस यहाँ पे पोशन ऑफ लिपिंग के टाइमर को बढ़ा के कोई भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि इस पोशन की मदद से आप लोग सिर्फ और सिर्फ फेंस को कूद सकते हो। यहाँ पे गाइस हमें पोशन के पावर को बढ़ाना होगा, इसके लिए गाइस हम लोग ग्लो स्टोन का यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे गाइस आप लोग को पोशन ऑफ लिपिंग को प्लेस कर देना है एंड ऊपर आप लोग को ग्लो स्टोन को प्लेस करना है। ये चीज करने के बाद गाइस पोशन का जो पावर है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड इसकी मदद से गाइस आप लोग 2 ब्लॉक्स तक कूद पाओगे।
जाओगे। लेकिन गाइस यहाँ पे एक ड्रॉबैक भी आ जाता है, जैसे गाइस आप लोग ग्लोस्टोन का यूज करोगे पोशन का जो टाइम है ये और ज्यादा घट जाएगा एंड ये 1.30 सेकंड्स का हो जाएगा। तो इस पोशन ऑफ लिपिंग की मदद से आप लोग भले ही दो ब्लॉक्स तक कूद सकते हो लेकिन ये पोशन सिर्फ और सिर्फ 1.5 मिनट तक इफेक्टिव रहेगा। तो अभी तक गाइस हम लोग समझ चुके हैं कि कैसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट पोशन को बनाना होता है एंड कैसे इनके टाइमर को इंक्रीज करना होता है। अभी गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोशन के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस। इस पोशन के नेम से यार आप लोग समझ सकते हो इसको ड्रिंक करने के बाद गाइस किसी भी तरह से आप लोग फायर में नहीं जल सकते हो। तो डेफिनेटली गाइस इस पोशन को ड्रिंक करने के बाद आप लोग बिल्कुल नेदर का किंग बन जाओगे एंड डेफिनेटली गाइस काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट पोशन है। इसको बनाने के लिए गाइस हमें जरूरत पड़ती है ऑकवर्ड पोशन की एंड मैग्मा बॉल की। अभी गाइस मैग्मा बॉल्स को ढूंढना इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है, इसके लिए गाइस आप लोगों को सिंपली मैग्मा ब्लॉक्स को किल करना होता है। जैसे कि गाइस आप लोगों को पता है कि मैग्मा ब्लॉक्स हमें नेदर पे मिलते हैं एंड अगर लक अच्छा होता है तो एक मैग्मा ब्लॉक को किल करने के बाद हमें 2 से 3 मैग्मा बॉल्स मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस अभी पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस को बना लेते हैं। तो यहाँ पे गाइस अभी हमारा पोशन बनके तैयार हो चुका है। इस पोशन की भी जो टाइमर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट का है। तो इसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग वापस से रेड स्टोन का यूज करेंगे एंड इसका जो टाइमर है ये बढ़ के 8 मिनट का हो जाएगा। तो इसी तरह से गाइस आप लोग अपने माइनक्राफ्ट के पॉकेट एडिशन के अंदर पोशन को बना सकते हो एंड इनके टाइमर को भी इंक्रीज कर सकते हो। एंड गाइस सिर्फ इतना ही नहीं, काफी सारे और भी पोशन होते हैं जिनको क्या आप लोग बना सकते हो। जो भी गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ मेन पोशन के बारे में बता दिया है। आई होप कि गाइस आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आएगा। डेफिनेटली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ गाइस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर कर देना एंड डेफिनेटली गाइस अगर आप लोग अभी हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दो इसी तरह के गेमिंग रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए यार गुड बाय।